उस फोटो में पीछे खड़ी थी भूत। चार्ली चार्ली, क्या तुम आयरन मैन को जानते हो? देखो गाइस, देखो, पूरे रोंगटे खड़े हो गए। चलो बच गया भाई, मैं बच गया, बच गया। ब्लडी मैरी, अब तो ये गया, खत्म खत्म है ये भाई। गाइस बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। सो गाइस, दिल थाम कर बैठ जाओ, आज आपका आयरन मैन और लोकी यानी मैं, हम लोग करने वाले स्पिन द स्केरियस चैलेंज। भाई यार, बट मुझे तो भूतों से बहुत डर लगता है। तभी तो मजा आएगा बेड़ो। भाई यार, कोई और चैलेंज कर ले। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे सब्सक्राइबर में से किसी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि टारगेट भैया हॉरर वीडियो बनाओ, तो अब तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी। अच्छा हाँ, तब तो फिर वीडियो बनानी ही पड़ेगी, पर भाई ये वीडियो दिन में शूट कर लेना। चल बे साले डरपोक, वीडियो तो रात में ही यानी अभी शूट होगी। सो गाइस, हम दोनों लोगों को इस व्हील को स्पिन करना है, और इनमें से जो भी पर्ची आएगी ऐसे रोकने पर, उसमें जो भी टास्क लिखा होगा उसे हम दोनों को करना ही होगा। गाइस, आप लोगों के लिए सिर्फ मैं ये वीडियो का चैलेंज करने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक गेम रखते हैं 5000 लाइक का, करा देना। हाँ हाँ हाँ, ये लोग लाइक कर देंगे। चल स्टार्ट करते हैं। चलो लोकी, सबसे पहले तुम स्पिन करो। ना बाबा ना, मैं नहीं करने वाला पहला स्पिन, भगिया से भग। अबे डरपोक, चल अच्छा स्टोन पेपर सीजर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, स्टोन पेपर सीजर। सिट क्यों सिट। बड़ा आया दिमाग लगाने वाला। चल अब पहले तू स्पिन कर। ये सेव गाइस, सेव, मैं बच गया। शिट यार, बच गया। अब तू कर। हाला दे। टेल अ हॉरर स्टोरी। चल भाई ये भी ठीक ही है, एक स्टोरी सुनानी है हॉरर। पर तू तो फट्टू है साले, तू तो डर जाएगा एक बार में। अबे ओए, औकात में रहकर, इतना भी फट्टू नहीं हूँ मैं। ठीक है फिर गाइस, रेडी हो जाओ हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। एक बार की बात है, आप लोग तो डॉक्टर स्ट्रेंज को जानते ही होंगे। तो हुआ क्या कि एक दिन अचानक से डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं जा रहा था, और उसे रास्ते में ना एक पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया। अब उसने वो बैग उठाया तो उसको पता नहीं था कि उसके अंदर पैसे हैं। पहले तो उसने उसको पहले मतलब पैर मारा, गलती उसने सोचा रास्ते में कुछ पड़ा पैर मार, उसने पैर ठोकर मार दी, उसको कुछ खटकने की आवाज हुई। फिर उसको लगा कि यार कुछ तो इसमें है, तो उसमें ना एक एक के दो सिक्के पड़े थे जो आपस में खटक रहे, और बाकी सारे गड्डी गड्डी भर के नोट पड़े हुए थे। अब डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि ये बहुत ज्यादा गरीब, उसके होश उड़ गए। उसने इतने सारे पैसे देखे और वो एकदम बौखला सा गया। उसने तुरंत उस पैसों को उठाया और चला गया सीधे अपने लिए घर खरीदने। ना उसने आओ देखी ना ताओ, जाकर सीधे घर खरीद लिया। अब क्या हुआ कि जब सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए, उसने जब उसके नाम पे घर हो गया, अब उसको एक्साइटमेंट के मारे रहा नहीं जा रहा। उसने सोचा कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे आ गए, मेरा खुद का मैंने घर खरीद लिया। तो वो सीधे चला गया एक दिन रात में घर में अकेले। अब उसको इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसने सोचा मैं, मेरा खुद का नया घर है तो मैं इसके साथ अपनी फोटो भी खींचता हूँ। तो उसने क्या करा कि उस घर में लाइट वाइट थी नहीं, सारा कनेक्शन आउट था। उसने सीधे अपनी फोटो खींचना चालू कर दिया, थोड़े बहुत उजाले आ रहे थे। उसने पहली फोटो खींची, दूसरी फोटो खींची, सब बढ़िया एकदम मजेदार। अब वो अपने जब पुराने वाले घर पर गया, सारी फोटो खींचने के बाद उसने पूरी, उसको खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब उसने घर जा करके अपनी फोटो देखी, सोचा कि फोन खोल के देखता हूँ कि मेरे घर की क्या फोटो आई है, मतलब उसकी क्या एक्साइटमेंट होती ना। जब उसने फोटो देखी तो उसके फोन में एक भी फोटो नहीं, एक भी फोटो। अब उसके होश उड़ गए, अब उसका दिमाग खराब हो गया, ये हुआ कैसे। तो उसको लगा हो सकता है कोई फोन में कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए वो। उसने फिर किसी तरह अपने आप को काबू में रखा। अगले दिन फिर वो गया उसी घर में। अब वो बिल्कुल रेडी था कि हाँ, मैं मेमोरी कार्ड उसने चेक कर लिया, अपना फोन चेक कर लिया, घर में उसने फोटो खींच के भी चेक कर ली कि हाँ अब फोटो आ रही है। अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गया उस घर में। जब उसने आज फोटो खींची, दो तीन खींच ली, चार खींच ली, उसने चेक करा सब फोटो आ रही है। और जब वो घर आया, उस फोटो में पीछे खड़ी थी भूत। अब ये बात डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग से आज तक नहीं निकली, और वो जब जब इस बात को सोचता है वो एकदम डर सा जाता है। और उसने मुझे ही सिर्फ ये बात बताई है, किसी एवेंजर्स को ये बात नहीं बताया। अबे साले, तूने तो मुझे डरा ही दिया। चल भाई देख, मैंने अपना टास्क पूरा कर दिया, मगर तू ध्यान रखना ये बात स्ट्रेंज को बताना मत। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। अपने आप को बहुत बड़े दादा बनते हो ना, करो। साले को यही, मैं ही मिला था ये चैलेंज कराने के लिए, किसी और एवेंजर को पकड़ लेता। बड़ा है दिमाग लगाने वाला, चल बे चुपचाप स्पिन कर। सेव, 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 भाई बच गया, मैं बच गया भाई। अबे साले, बार बार तेरा सेव निकल जा रहा है, अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख कर आया था क्या बे? हेलो, बार बार सेव आ जा रहा है।
अबे भाई कोई ऐसा तो नहीं कहीं कोई भूत हो तो जो इसके साथ दे रही हो। ले अब तू कर। हाँ ला ठीक है दे। कैसे करता हूँ? अबे अब ये कौन सा माजरा है? चार्ली चार्ली। अबे भाई सबसे ज्यादा खतरनाक तो मेरे को ही मिल रहा है। अबे यार पेंसिल ढूंढनी पड़ेगी। अबे यार पेंसिल वेंसिल तो है नहीं। गाइस एक काम करता हूँ, एक चार्ली चार्ली नाम करके एक ऐप है उसमें खेलता हूँ मैं ये गेम। सो गाइस मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी आज तक ये वाला गेम कभी नहीं ट्राई करा, कभी भी नहीं। आज मैं आप लोगों के सामने ये गेम ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ कुछ नई चीज करने के लिए। सो गाइस मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है, अब देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आ चुका है टॉक का ऑप्शन, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ पर हो? बेचारा नहीं है, नहीं है यार, सच में रोंगटे खड़े हो गए भाई। अब पता नहीं ये चीज सही है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। चार्ली चार्ली क्या तुम आयरन मैन को जानते हो? नहीं नहीं जानता। चार्ली चार्ली आर यू देयर? गाइस यार ये क्या गेम है यार, मुझे नहीं खेलना ये भाई, मुझे एकदम से कुछ आ गया। गाइस ये क्या था यार, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग तक रुक गई और कौन सी फोटो आ गई थी सामने? अब मारी ना मजा, अब आ रहा ना मजा, मेरे दिल को जो सुकून मिल रहा सुकून। मैं नहीं खेल पाऊंगा यार इसे, बस बस सच में भाई। देखो गाइस देखो पूरे रोंगटे खड़े हो गए और ऑलरेडी इसमें नो आ चुका है, तो इसलिए चार्ली भी नहीं चाहता कि मैं ये गेम खेलूं, इसलिए मैं ये गेम नहीं खेल पाऊंगा बस। लग रहा है कोई डर गया फट्टू। साले जब तेरी बारी आएगी ना तब तुझे पता चलेगा, बार बार सेव हो जा रहा है इसलिए ज्यादा उड़ रहा है। हाँ ठीक है चलो गाइस ट्राई करते हैं। ओइजा बोर्ड। साला मैं भी डरा था, अब मजा आएगा देखना। तो गाइस यार ये ओइजा बोर्ड तो बनाना अभी पॉसिबल है नहीं, बट मुझे थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि ओइजा बोर्ड का भी एक ऐप है और अभी इसने ये ऐप ट्राई करा तो इसकी तो हालत खराब हो गई। मैंने भी इसका मजाक बहुत उड़ाया था, ये तो कर्मा हो गया। अब देखते हैं क्या होता है, होप सो सब अच्छा ही रहे यार, बहुत डर लग रहा भाई। चलो गाइस इस गेम को स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना चाह रहा है? आई डी ओ एन टी आई डोंट L I K E I don't like you। भाई बंद कर दे यार बंद कर दे। Is anyone there? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं इस गेम को क्विट कर रहा हूँ बस। हाँ क्विट कैसे होता है मगर ये? चलो बच गया भाई मैं, बच गया बच गया। गाइस यार ये फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा डरावना था, मैं तो इसको ताने दे रहा था, मेरे तो खुद हालत खराब हो गई। चले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा इसको। तू कर अब। हाँ ठीक है ला। ब्लडी मैरी। अब तो ये गया, खत्म खत्म है ये भाई खत्म है। सो गाइस यार रात के बज चुके हैं 12 और अब आपका आयरन मैन करने वाला है ब्लडी मैरी चैलेंज।
मैंने इंटरनेट पर 12 बजने से पहले ही देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए यार। बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ हो गया ये करने के बाद। होप सो सब ठीक ही रहे। चलो फिर फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं अपना ब्लडी मैरी चैलेंज। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। ओके, 3, 2, 1। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ये क्या हो रहा है? ब्लडी मैरी, ओ शिट, ये क्या हुआ? ये कैंडल कैसे बुझ गई? गाइज, वैसे मूवमेंट था बहुत ज्यादा डरावना। मतलब सॉरी, तरफ की लाइटें जब बंद करने के बाद वो मूवमेंट आ रहा था ना, एकदम लग रहा था कि हाँ कुछ है, बट ठीक है, कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल था। बचा लेना भगवान जी। कॉल मोमो। गाइस, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है यार, टोनी ने मुझे बहुत बुरा फंसाया है। चलो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ भाई, यह भी बहुत डरावना है भाई, बहुत डर लग रहा है यार भाई। गाइस, वीडियो कॉल करने जा रहा हूँ मैं, डराना नहीं प्लीज। अरे भाई, ये भाई अब मेरा ही लास्ट टास्क बचा, तो स्पिन क्या करना, डायरेक्ट ऐसे ही कर लेता हूँ। ये रहा आखिरी पर्ची, बहुत डेयरिंग वाला टास्क है ये। तो गाइस, फाइनली टास्क है कॉल 666। चलो ट्राई करता हूँ कि क्या सच में काम करता भी है या नहीं। वैसे गाइस, सच बताओ, मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हो सकता है मैं कर लूंगा ये। चलो गाइस, फिर ट्राई करते हैं। 666 कॉल लगाता हूँ मैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। The number you have dialed अमान्य is invalid. Please check the number you have dialed. बच गया, बच गया, बच गया, मैं बच गया। अगर मैं 666 को दो बार अगर टाइप करूं तो 666666 डायल किया गया नंबर। बस बच गया, मैं बच गया, बच गया। बच गया मैं गाइस। सो गाइस यार, आज की वीडियो तो एकदम अलग थी। कुछ चीजें तो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि कुछ कहने को ही नहीं उसके लिए, और कुछ चीजें तो मतलब नॉर्मली निकल गई। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और मजेदार भी थी। लोकी तो बिल्कुल ही हो गया। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो। मगर मैं इस बार इस डरपोक लोकी को नहीं रखूंगा, वो अलग बात है, डरा तो मैं भी था। इस बार कोई नेक्स्ट एवेंजर, कमेंट करके बताना किस एवेंजर को रखना है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं तो चला भाई। अरे हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, वरना रात में सपने में मोमो आएगी।